4.5 अरब साल पहले बनी धरती पर ऐसी घटनाएं घटी है जिन्हें देखकर इंसानों की आंखें फटी की फटी रह गई। कई घटनाएं देखने में बहुत रोचक थी, पर कई घटनाओं ने इंसानों को हिला कर रख दिया था। आज मैं आपसे एक ऐसे ही ज्वालामुखी की बात करूंगा जिसके विस्फोट से आधा विश्व कांप गया। इस विस्फोट ने कई लोगों की जानें भी ले ली। ये प्रकृति का एक ऐसा नमूना था जिसने मानव सभ्यता को हिला कर रख दिया। दोस्तों, हमारी धरती पर ज्वालामुखी तो फटते रहते हैं, पर इस ज्वालामुखी ने ऐसी तबाही को जन्म दिया जिसने भूकंप भी पैदा किए और सुनामी भी। दोस्तों, इस विनाशक ज्वालामुखी का नाम था द क्रिकेटोवा। गाइस, आज मैं आपको क्रिकेटोवा इरप्शन की पूरी कहानी बताऊंगा, जिसे सुनकर शायद आपके होश भी उड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ठोक देना यार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर देना। एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, होप आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन विथ फैक्ट्स नोवा। आज 20 मई 1883 है, एक इंडोनेशियन द्वीप समूह का हिस्सा जिसे क्रिकेटोवा आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि उस आइलैंड पर क्रिकेटोवा वोल्केनो मौजूद हैं। वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसका असर दूर कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई पड़ रहा है। आज क्रिकेटोवा वोल्केनो के उत्तरी हिस्से से बहुत खतरनाक रूप से धुआं निकल रहा है, जो करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर लगातार जमा हो रहा है, और इस विस्फोट की आवाज़ 160 किलोमीटर दूर कहीं जकार्ता में भी सुनाई दी है, जो इंडोनेशिया की नेशनल कैपिटल है। ये मंजर कई दिनों तक यूं ही चलता रहा, फिर स्थिति कुछ नॉर्मल हो रही है। अब भूकंप और विस्फोट न के बराबर हो रहे, पर अभी भी खतरा टला नहीं है। 16 जून को क्रिकेटोवा का विस्फोट फिर शुरू हुआ, और ये पहले से ज़्यादा खतरनाक था। ज्वालामुखी के ऊपर गहरे काले बादल छा गए हैं, वो काले बादल 5 दिन तक क्रिकेटोवा को घेरे हुए हैं। 24 जून को अचानक पूर्व से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी हैं, जिसने उन काले बादलों को क्रिकेटोवा के ऊपर से साफ कर दिया, पर इस विस्फोट से लहरों की ऊंचाई पहले से बढ़ गई है, जिससे कि जो जहाज किनारों पर हैं उन्हें जंजीरों से बांधना पड़ रहा है। आज 26 अगस्त है और कुछ बड़ा होने की आशंका हो रही है। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, पर अचानक ठीक 2 बजे एक खतरनाक और बेहद आक्रामक धमाका हुआ। उस धमाके के कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया, जिससे पूरा आइलैंड धुएं के कहर से प्रभावित हो रहा है। ये धुआं कहीं 27 किलोमीटर ऊपर जाकर जमा हो रहा है। अब विस्फोट हर 10 मिनट में हो रहे हैं। कहीं लगभग 20 किलोमीटर दूर मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, वे भी इस विस्फोट की आवाज़ को अच्छी तरह से सुन सकते हैं, और उनके जहाज पर 10 सेंटीमीटर के आग के गोले भी बरस रहे हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी घायल हो गए हैं। अब शाम 7 बजे जावा और सुमात्रा में एक सुनामी ने तबाही मचाई है। जावा और सुमात्रा में विस्फोट का असर साफ दिखाई दे सकता है, जो कि क्रिकेटोवा आइलैंड से लगभग 40 किलोमीटर दूर हैं। अब इतिहास रचने वाला विस्फोट होने वाला है, जिसे मानव इतिहास का सबसे खतरनाक और दर्दनाक विस्फोट कहा जाता है। अब लगातार 4 धमाके होने वाले हैं। पहला धमाका सुबह 5:30 बजे 27 अगस्त को हुआ। लोग अभी नींद से उठे भी नहीं होंगे, और विस्फोट ने महादानवी सुनामियों को जन्म दिया, जिसने इंडोनेशियन आइलैंड के कई हिस्सों को आहत पहुँचाया। दूसरा विस्फोट शाम के 6:44 को हुआ, जिसने कई हिस्सों में भूकंप को पैदा किया, और तीसरा धमाका इंसानी इतिहास में याद किया जाता है, जो कि सबसे खतरनाक था। 10 बजे अभी लोग पहले हुए विस्फोटों से उभरे भी नहीं होंगे कि 10:02 को एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने कि ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह और इंडोनेशियन आइलैंड्स को हिलाकर रख दिया। इसकी आवाज़ इतनी खतरनाक और तेज थी कि ये कहीं 3110 किलोमीटर दूर पर्थ तक भी सुनाई दी, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, और 4800 किलोमीटर दूर कहीं मॉरिशस तक भी सुनाई दी, जो कि इंडियन ओशियन में स्थित है। इस विस्फोट की आवाज़ को मेज़र किया गया तो ये करीब 160 किलोमीटर पर 180 डेसिबल थी, जिससे ये कहा गया कि अगर क्रिकेटोवा वोल्केनो से 16 किलोमीटर के करीब अगर कोई इंसान होता तो वो सुनने लायक नहीं बचता और कानों से खून निकलने लगता, कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती। क्रिकेटोवा के इस विस्फोट ने खतरनाक सुनामियों को जन्म दिया। साइंटिफिकली कहा जाए तो क्रिकेटोवा के तीसरे विस्फोट से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो करीब 200 मेगाटन्स के TNT के फटने के बराबर थी, और अभी तक के सबसे घातक और मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टीजार से 4 गुना ताकतवर था। इस विस्फोट से 70% क्रिकेटोवा आइलैंड पानी में धंस गया। और चौथा विस्फोट करीब 10:41 को हुआ, जिसने कई लैंडस्लाइड्स को इमिट किया। तीसरा धमाका इतना खतरनाक था कि इस धमाके से 64 किलोमीटर दूर मौजूद कई मछुआरों के तो कान के पर्दे ही फट गए। अगले दिन 28 अगस्त को क्रिकेटोवा शांत तो हो गया, पर इसने पृथ्वी के तापमान को 1.2 डिग्री सेल्सियस से 5 सालों के लिए घटा दिया, और करीब 34,417 लोगों की जानें भी ले ली।
अगर एनवायरनमेंट पर क्रैकेटोआ का असर देखा जाए तो बहुत जहरीला साबित हुआ, क्योंकि विस्फोट से वायुमंडल में करीब 2 करोड़ टन का सल्फर रिलीज हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा एटमॉस्फेयर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ हो गई, जिसका परिणाम हम आज भी देख रहे हैं ग्लेशियर्स के पिघलने के फॉर्म में और वाटर लेवल के बढ़ने के रूप में। सो गाइज, ये थी क्रैकेटोआ इरप्शन की पूरी कहानी, जिससे कि क्रैकेटोआ आइलैंड का आज केवल 30% हिस्सा ही बचा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या फिर आपकी नॉलेज में थोड़ी सी भी इंक्रीमेंट हुई हो तो प्लीज़ 26 लाइक तो ठोक ही सकते हो यार, आपके लिए इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, अपने प्यारे और खास फैक्ट्स लवर के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, क्वेरीज और सजेशन के लिए ईमेल या फिर कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।